मैम, आज बच्चों को बड़ी तादाद में रिकवर किया गया है, तो आज उनका दिन भी है। तो आज एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे है और हमारे लिए बहुत खुशी की बात तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये एक सच्चाई है कि ये अभी भी प्रचलित है, अभी भी चल रहा है और इसके अगेंस्ट एक बड़ी मुहिम चलाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आम जनता या आम लोग इस बात को लेकर सचेत नहीं होंगे कि हमें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद होता है, सभ्य समाज के लोग करते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि जो लोग नहीं करने चाहिए, पढ़े लिखे हैं, जो समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन वो भी इस प्रचलन को, इस प्रथा को आगे बढ़ाते हैं। ये सबसे बड़े दुख की बात है। क्या लगता है मैम, जो लगातार चाइल्ड से जो लेबर का काम करवाया जाता है, तो बड़ी तादाद में जो लुधियाना में जो बच्चे हैं, तो लुधियाना में कहा जा सकता है कि बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर करते हैं। देखिए, लुधियाना शुरू से मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था, हब है होजरी का। यहाँ पर बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ होजरी का काम होता है। जो मुझे अमूमन एक बात पता चली कि कुछ बिहार और कुछ ईस्टर्न यूपी से हमेशा यहाँ पर बच्चे बसों में भर भर के लेकर आते हैं और चाइल्ड लेबर की तरह उनको यूज़ करा जाता है। वो बॉन्डेड लेबर है या नहीं, लेकिन चाइल्ड लेबर है। और इसी की टिप मिली थी हमें और हमने बहुत इमरजेंसी में आज ये एक रेट डाली, क्योंकि अगर हम इसको सीक्रेट ना रखते तो हो सकता है अभी भी हमें ऐसा लगता है कि जब तक हम पहुँचे तब तक कुछ बच्चों को भगा दिया गया। अब उसमें शासन प्रशासन का हाथ होना इसलिए वाजिब मैं मानती हूँ, क्योंकि हमें संभवतः क्योंकि हमें बिल्कुल कोऑपरेशन नहीं मिला और हमें बहुत रेजिस्टेंस मिला उनकी तरफ से, जहाँ सरकारी अमला जमला हमारा साथ नहीं दे रहा था, कहीं कहीं तो ऐसा लगा कि बाधा बन रहा था और हमारे काम में अड़चन डाल रहा था, जबकि उन्हें पता था कि ये नेशनल कमीशन है और नेशनल कमीशन के साथ बाधा डालना अपराध हो सकता है। लेकिन फिर भी आज बहुत नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट हमने देखा, जहाँ पे पुलिस और जो प्रशासन था उनकी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। जो जिनके जहाँ जिन फैक्ट्रीज में पाए गए उनका तो हम मानते हैं, उनको तकलीफ होगी, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से नहीं होनी चाहिए थी जो हमको आज होगी। क्या लगता है कितनी कितनी फैक्ट्री? तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि बच्चों का फ्यूचर क्या रहता है। तो बच्चों को हम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में हम पहले प्रस्तुत करते हैं, ये वहाँ पे उनका सारा का सारा लेखा जोखा लेते हैं, फिर उसके बाद उनको हम पूरा डिटेल लेने के बाद एक CCI होता है, CCI यानी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट, वहाँ पे हम उनको बिल्कुल अच्छे से रखते हैं। खाना पीना रहना सब सरकार की तरफ से होता है। फिर उनके पेरेंट्स को कॉन्टैक्ट करा जाता है। पेरेंट्स को कॉन्टैक्ट करने के बाद जो बच्चा जिस गांव का है, जिस जगह का है, वापस उसको पहुंचाने तक का काम सरकार का काम होता है, ताकि बच्चा वापस जाए। हम चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई लिखाई करे, उसको एक कुछ मानदेय भी दिया जाता है, देयर इज़ एन अमाउंट दैट इज़ गिवन, और वो अमाउंट जो होता है उसके बच्चे के खाते में डलता है। तो ये एक बहुत बड़ी एक आपने अच्छा प्रश्न पूछा कि हम उसका फॉलोअप कैसे करते हैं। तो बच्चे सिर्फ रेस्क्यू नहीं होते, रेस्क्यू होने के बाद उनकी एजुकेशन, उनकी स्किलिंग, वापस उनके माता पिता के साथ उनको भेजना और माता पिता की भी काउंसलिंग करना, ये तक हमारा काम होता है, जिसको हम एक लंबी एक साल तक की फॉलोअप में देते हैं। टोटल कितने बच्चे रिकवर किए हैं और ज़्यादातर कहाँ से रिकवर किए हैं? आज हमने 75 के ऊपर है हमारे पास आज का काउंट, और हमारे तरफ से ये अभियान सफल रहा। लेकिन फिर मैंने कहा कि दुख की बात है कि बच्चे अभी भी इन कामों में धकेले जाते हैं। फैक्ट्रियों से 10 साल से, आप इमेजिन कर सकते हैं, 10 साल का बच्चा भी एक लेबर की तरह काम कर रहा है, 10 साल से 17 साल की उम्र के बच्चे थे। उनके खिलाफ कुछ नहीं है, वो तो बेचारे बच्चे हैं, जो फैक्ट्रीज है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और वो उसके खिलाफ। आपने बोला पुलिस की कोऑपरेशन नहीं है, कैसे? हम उसका FIR जब तक नहीं हो जाती तब तक हमारा काम ख़त्म नहीं होता। हमारी टीम पूरी की पूरी बैठी है, नेशनल टीम बैठी है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पूरी की पूरी बैठी है, जब तक FIR नहीं होगी। वो FIR करने में भी रेजिस्टेंस आती है, लेकिन हम भी ढीठ हो जाते हैं और हम जब तक उसकी FIR नहीं होगी तब तक वहाँ से नहीं बैठते करेंगे। अभी तो आज के लिए इतना इसलिए था क्योंकि फिर इसके बाद खबर फैल जाती है, इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, इनके आपस में एक तंत्र है कम्युनिकेशन का,
फिर वो हमको सरप्राइज विजिट नहीं मिलती और तब तक बच्चे भाग चुके होते हैं, तो हम अब फिर वेट करेंगे, फिर एक सरप्राइज एलिमेंट जब तक तैयार होगा तब हम वापस रेड करेंगे। बच्चों को समझाया जाता है, काउंसलिंग करी जाती है। कुछ मुझे ऐसा लग रहा था इस तरफ जो आज हमने बच्चे रेस्क्यू करे वो ड्रग्स की भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो तो अब तहकीकात होगी और फिर उसके बाद समझ में आएगा कि क्या।